और चलिए बुलेटिन की शुरुआत है हम खबर से करते हैं। आखिर ये कैसी नेतागिरी है? सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने यहाँ दबंगई दिखाई है। राजगढ़ एसडीएम से धमकाते हुए धक्का मुक्की की। एसडीएम पंकज गढ़वाल से दुर्व्यवहार किया है पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और सवाल ये कि आखिर ये कैसी नेतागिरी है? सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली जिन्होंने यहाँ दबंगई दिखाई, राजगढ़ एसडीएम को धमकाते हुए धक्का मुक्की की, एसडीएम पंकज गढ़वाल से यहाँ दुर्व्यवहार भी किया। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारा है जनता का। राजगढ़ एसडीएम को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व विधायक मनोज न्यांगली। सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली दबंगई इन्होंने दिखाई। ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब सवाल ये उठता है कि कैसी नेतागिरी है? एसडीएम के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, राजगढ़ एसडीएम से को धमकाया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, एसडीएम पंकज गढ़वाल के साथ दुर्व्यवहार भी किया। यहाँ शिकायत करना या फिर अगर एसडीएम की गलती है, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, जनता ने शिकायत की है, तो उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, सवाल यही कि कैसी नेतागिरी? एक बार फिर से आपको पूरा ऑडियो भी सुनाते हैं, देखिए। हमारा है जनता का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय। आखिर ये पूरा वाकया हुआ क्या था? बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए ऑफिस के बाहर और नेतागिरी अंदर पूर्व विधायक की नजर आ रही है, एसडीएम को धमकाते नजर आ रहे हैं। हुआ क्या है, ये पूरा मैटर क्या है? और बिल्कुल संजय आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त पूर्व विधायक मनोज न्यांगली जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जो हम ऑडियो सुन रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो क्या है, किस बात की इतनी नाराजगी आपको? कुछ नहीं था, लेकिन आप जिस तरह से गुस्से में गए और आपने जिस शब्दों का प्रयोग किया, एसडीएम को धमकाने की को लेकर भी आरोप है, एसडीएम को धमकाया आपने, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, कितनी सच्चाई? नहीं नहीं कुछ नहीं। लेकिन तस्वीरें तो यही बयां कर रही है मनोज जी। मनोज जी, लेकिन हुआ क्या था, क्या किसी ने आपके पास शिकायत की थी एसडीएम की? कुछ नहीं है, तो फिर इतना गुस्सा क्यों था मनोज जी? देखिए तस्वीरें बता रही है, इसलिए हम आपसे के खिलाफ है हमारा, कांग्रेस सरकार साथ में कुछ कर रही है, बच्चे के साथ जुल्म जाती अन्याय हो रहे हैं, सरकार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री होते हुए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गुस्सा हमारा। यानी आप कह रहे हैं कि जनता की शिकायत है लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, परेशान है जनता, इसलिए आप गए ऐसे? आपको भी दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं राजस्थान प्रदेश किस तरीके से है, पाँच पाँच साल की छह छह साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप, किस तरीके से एससी एसटी के गरीब शोषित लोगों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट, मुख्यमंत्री गृहमंत्री दोनों होते हुए और फिर भी ये नहीं बात करने के। चलिए इन चीजों को लेकर गुस्सा तो अपनी जगह, लेकिन एसडीएम के पंकज गढ़वाल के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया आपने? शुक्रिया मनोज न्यांगली जी पूरी बातचीत के लिए। और संजय प्रजापत भी चुरू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपने सुना मनोज न्यांगली कह रहे कोई बात नहीं है, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, की कुछ सुनवाई नहीं। मैटर क्या था, पूरा मामला क्या था? श्वेता, मैं आपको बता दूं, जिन समस्याओं को लेकर मनोज न्यांगली जो पूरे बसपा से विधायक को ज्ञापन देते रहते, तो आज वो किसी समस्या को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, तो एसडीएम ने बाहर से ज्ञापन लेने के लिए जब मना कर दिया था, तो उन्होंने गुस्से से
आकर अंदर लाकर कहा कि हम जनता की आवाज को लेकर आए हैं, आपको ज्ञापन लेना पड़ेगा, ज्ञापन क्यों नहीं ले रहे हो? तो ऑफिस आपके बाप का के उन्होंने कहा, और जैसा कि हम ये दिखा रहे हैं उसमें स्पष्ट कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में एसडीएम इनके गुस्से को शांत करके कहते हैं कि मैं बाहर चलता हूँ, बाहर ज्ञापन ले लेता हूँ। उसके बाद वो बाहर जाकर ज्ञापन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में दोनों के बीच के अंदर इस तनाव के बाद के अंदर बताया जाता है कि दोनों के बीच में दोनों साथ में चाय भी पीते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कहीं पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। ज्ञापन लेकिन ये किस चीज को लेकर था, किस मैटर पर ज्ञापन? क्योंकि वो अभी जब फोन लाइन पर जुड़े उनका कह रहे थे कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जनता की आवाज है जो सरकार नहीं सुन रही, कौन सी ऐसी बात हो गई वहां पर? प्रशासन सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं। श्वेता, जैसा कि हमने पीछे भी लगातार दिखाया था कि सादुलमेरपुर में लगातार गैंगवार होती रहती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती रहती है, तो वो कानून व्यवस्था को लेकर वो ज्ञापन देने आए थे, और जब ज्ञापन लेने के उनके साथ उनके समर्थक भी जैसा उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाहर खड़े हुए थे, तो जब उन्होंने ज्ञापन बाहर नहीं लिया तब वो गुस्से से अंदर आते हैं और जो बोलते हैं वो सबको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एसडीएम उनको संतुष्ट भी करते हैं और उनके साथ ज्ञापन लेने के लिए बाहर आ भी जाते हैं। लेकिन दोनों ही पक्षों के द्वारा और ना ही एसडीएम के द्वारा अब तक पुलिस थाने में या किसी अन्य जगह पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, यानी मामला शांत है। अगर दोनों साथ में बैठ के बाद में चाय पीते हैं सामान्य, तो मामला शांत है ना संजय जी? इसमें बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।